तो गाइस यार एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कम्मा जी गेमर चैनल पर। और आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और जैसा कि आपको कुछ टाइम पहले याद होगा कि हम लोगों ने भाई यहाँ पे गए थे और यहाँ पे एक बढ़िया सा रेस भी हम लोगों ने करा था, और वहाँ पे मैं सेकंड प्लेस पर आया था। फर्स्ट पे मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे को उस टाइम GTA 5 बढ़िया तरीके से खेलनी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने कभी GTA 5 खेला नहीं था। बट अभी मेरे को बढ़िया तरीके से भाई खेलना आ गया है। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, अभी मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, शायद से यहाँ पे भी एक बढ़िया वाला रेस होने वाला है जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट उसके पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, यहाँ पे मैंने एक बाइक भी भाई, मतलब देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बाइक भी एक बाइक कर ली है जो कि नेक्स्ट लेवल बाइक है यार। मतलब कि इस बाइक का जो स्पीड है वो अलग ही लेवल का है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। अब इस बाइक से ना हम लोग आगे कभी घूमने के लिए जाएंगे बढ़िया तरीके से भाई, कपड़ा वगैरह पहनकर, राइडिंग जैकेट वगैरह पहनकर हम लोग जाने वाले हैं। बट आज हम लोग भाई वो रेस करने जाने वाले हैं जिसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट उसके पहले मैं एक कार भी आज बाई करने वाला हूँ, क्योंकि अपने पास जो वो सुपर कार था वो चोरी हो चुका है, तुम समझ रहे हो भाई, वो चोरी हो चुका है। और आज ने मेरे को एक नया कार भी बाई करना है, उसको मॉडिफाई भी करना है और उस वाले लोकेशन पे रेस करने के लिए भी जाना है। तो काफ़ी सारा काम आज हम लोग को करना है। तो सबसे पहले ना हम लोग काम करते हैं भाई, अपने पास ना पैसा आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना मैं जाता हूँ भाई मनी एंड सर्विस के अंदर, एंड ये वाला वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, इसके ऊपर ना मैं मार्केट के ऊपर जाता हूँ और जो मेरे को बढ़िया सा दिखता है ना उसके ऊपर मैं पैसा ऐसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अभी भी करने वाला हूँ, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और इसके मदद से मैं कितना सारा पैसा कमा चुका हूँ। और इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत लगा देता हूँ भाई, जिसके अंदर से हम लोग को और भी ज़्यादा पैसा मिलता रहे। तो इसको हम लोग लगा कर छोड़ देते हैं, मैं पूरा पैसा बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं लगाने वाला, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, अपना पैसा पूरा ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा बहुत पैसा इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला। अभी हम लोग एक काम करते हैं भाई, अपने फ़ोन के ऊपर जाते हैं और कार बाई करते हैं। मेरे को काफ़ी दिनों से भाई ये वाला कार ना मन कर रहा था बाय करने का, जो कि मैं नहीं कर पा रहा था, तो इसको हम लोग फटाफट से बाय करते हैं। ये वाला कार मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो इसको हम लोग बाय करने वाले हैं और ब्लैक कलर के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। ओके गाइस, तो इसको मैंने अभी बाय तो कर लिया है, अभी हम लोग एक काम करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, मैसेज भी मेरे को यहाँ पे आ चुका है कि जो अपना कार था वो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया और वो डिलीवर भी हो चुका है अपने गैरेज के अंदर। तो फटाफट से हम लोग गैरेज पे चलते हैं और चलकर हम लोग अपना जो नया वाला कार है उसको देखते हैं, और उसको मॉडिफाई भी मेरे को करवाना है, वो भी करवाते हैं। और अभी ना यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि जो मेरे पास जो कार था नॉर्मल सी, वो जो कार है ना वो शायद जेमी लेकर जा चुका है, और मेरे को यहाँ से टैक्सी से जाना पड़ेगा, जो कि मेरे को जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कार बचा ही नहीं है। तो फटाफट से ना यहाँ से हम लोग टैक्सी बुला लेते हैं और बैठकर हम लोग गैरेज पे पहुँचते हैं। ओके गाइस, अभी हम लोग गैरेज के पास तो पहुँच चुके हैं, अभी मेरे को यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, जो कि उतरना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट है, और गैरेज के अंदर भी चल लेते हैं हम लोग फटाफट से। बढ़िया लग रहा है भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक आ रही है भाई, मतलब क्या ही बढ़िया लुक आ रही है इसके ऊपर से भाई, मजाक से हटके वाली बिल्कुल ये कार है। फटाफट से इसके ऊपर बैठते हैं और चल कर ना इसको मॉडिफाई भी करवाते हैं, उसके बाद तो और भी ज़्यादा खतरनाक लुक आने वाला है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर में जो ऑर्डर किया है ना भाई, अलग ही लेवल की लुक आ रही है, और ब्लैक कलर का मैंने शूट भी पहन रखा है जो कि भाई बिल्कुल मैच कर रहा है। अभी एक काम करते हैं भाई, फटाफट से इसको लेकर चलते हैं और इसको मॉडिफाई करवाते हैं, और उसके बाद जो लुक आने वाली है वो अलग लेवल की लुक आने वाली है। तो फटाफट से भाई निकल लेते हैं। ओके, तो अपना जो नया वाला कार है उसको मैं बढ़िया तरीके से बिल्कुल चलाते हुए कार रिपेयरिंग वाले शॉप पे पहुंचने ही वाला हूँ। ओके गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना जो
नया वाला कार था ना, उसको मैंने यहाँ पे पूरा मॉडिफाई करवा लिया है। और अभी आप लोग यहाँ पे इसका लुक देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसका जो विंडो वगैरह था वो मैंने पूरा ही ब्लैक करवा लिया। आप लोग देख ही सकते हो भाई, पूरा ही ब्लैक कलर का करवा लिया है। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक आ रही है भाई, बिल्कुल अलग ही लेवल की लुक आ रही है, मजाक से बिल्कुल हटके वाली चीज़ हो रही है। अगर हम लोग इसका इंटीरियर देखें तो वो भी आप लोग देख सकते हो, क्या ही बढ़िया लुक आ रही है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल कार है भाई। भले ही ये वाला जो कार है भाई सस्ता है, बट इसका जो लुक है वो नेक्स्ट लेवल है भाई, मजाक से हट के बिल्कुल। अभी ना हम लोग काम करते हैं भाई, फटाफट को उस वाले लोकेशन के लिए निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। बट फिर भी हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं उस वाले रेस के लिए। और वहाँ पे ना मेरे को भाई थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि कार वगैरह चोरी होने का भाई बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। बट कोई नहीं, चलते हैं। वैसे ये वाला जो कार है भाई मेरे को बहुत ज़्यादा सस्ता तो पड़ गया था, बट इसको मॉडिफाई करवाने में भाई 2 गुना ज़्यादा पैसा लग चुका है भाई, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर लग जाता है भाई मॉडिफाई करवाने के में। मतलब सस्ता वाला कार भी अगर तुम लेते हो ना, अगर उसको मॉडिफाई करने में भाई बहुत ज़्यादा ही पैसा ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग उस वाले लोकेशन पे पहुँचते हैं, और अगर मैं हाईवे पे एक बारी चला जाऊँगा ना, तो मैं फुल स्पीड के अंदर भगाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो रोड है वो खाली होती थी भाई। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, जाम लगा पड़ा है यार, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है पूछो ही मत भाई। मैंने सोचा था कि हाईवे के ऊपर आकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच जाने वाला हूँ, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ से ना मेरे को लेफ्ट साइड के अंदर मोड़ना था, और अभी हो जाने वाला था भाई एक्सीडेंट, बट बच चुका है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है अपने लिए। और यहाँ से निकलते हैं भाई। वैसे ये जो कार है आप लोग देख सकते हो भाई, क्या ही बढ़िया लुक आती है इसके अंदर से भाई, मजाक से हटके बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगती है यार। अभी आप लोग देख सकते हो, इससे हम लोग ऑफ रोडिंग भी करने वाले, क्योंकि रोड आप लोग देख सकते हो कैसा आ चुका है, और इसके अंदर भी ये बढ़िया तरीके से बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल भी मेरे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, बढ़िया तरीके से भाई ये ऑफ रोडिंग भी कर पा रहा है, जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया सीन हो चुका है। खैर पता नहीं भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच कैसे हो गया, बट कोई नहीं, थोड़ा सा ही हुआ है, आगे चलकर हम लोग उसको रिपेयर करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। भाई साहब लुक देखो यार, हमारी इस कार का लुक देखो, क्या ही बढ़िया लग रही है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल लुक आ रही है बिल्कुल। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कैमरा एंगल मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, और इस वाले कैमरा एंगल पे चलाने में भाई बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। इस वाले कैमरा एंगल पर मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलाने वाला, नॉर्मल करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे हम लोग उस वाले लोकेशन पे भाई पहुंच भी चुके हैं भाई, बातें करते करते। यहाँ से मेरे को लेफ्ट साइड के अंदर मोड़ना था, और उस वाले लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अपना जो कार है ना, मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, और इसके अंदर से हम लोग उतर कर आगे बढ़ते हैं और इस रेस में हिस्सा लेते हैं। अभी इस वाले बंदे से मेरे को बातचीत करनी पड़ेगी, तो फटाफट से इससे बात करते और देखते भाई क्या कहता है ये। अभी हम लोग इस रेस में हिस्सा लेने वाले हैं, जो कि बढ़िया सीन होने वाला है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्यों जा रहा है भाई, कल जो है भाई यहाँ पे ड्रेस वगैरह भी उसने चेंज कर लिया है, और अभी हम लोग यहाँ से फुल स्पीड के अंदर भागने वाले हैं, क्योंकि ये वाला रेस मेरे को कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। लेट्स गो। बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पे बिल्कुल जा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं, जो कि बढ़िया है। अगर हम लोग इन लोगों को भी देखें तो भाई ये लोग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं भाई, ये लोग नल्ले बिल्कुल भी नहीं है भाई, देख ही सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं लोग।
और लेकिन हम लोग भी भाई बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले, फुल स्पीड के अंदर यहाँ पे तैरता हुआ आगे बढ़ने वाले हैं। वो लोग भी भाई काफ़ी ज़्यादा पीछे तो नहीं है भाई, थोड़ा ही पीछे है, तो मेरे को बढ़िया तरीके से चलाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब चलाना नहीं भाई, बढ़िया तरीके से स्विम करना पड़ेगा। और यहाँ से भाई अपना फर्स्ट स्टेज तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब उसके बाद ना हम लोग को यहाँ से साइकिल लेना है और यहाँ से आगे जाना है भाई। एक बंदे भाई साहब, ये लोग भी भाई तुरंत ही पहुँच गए यार। जल्दी से मेरे को बैठना पड़ेगा बिना किसी देर का भाई, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। मेरे को फुल स्पीड के अंदर अपना जो साइकिल है उसको भगाना है, बिल्कुल भी इसको रोकना नहीं है भाई साहब। यहाँ से मैं फुल स्पीड के अंदर भगाने वाला हूँ, बिल्कुल भी जो अपना साइकिल है उसको मैं स्टॉप नहीं करने वाला। वैसे ये वाला जो लोकेशन है वो भाई पहले वाला से काफ़ी ज़्यादा मेरे को बढ़िया लग रहा है, क्योंकि देख ही सकते हो भाई क्या ही बढ़िया लुक आ रही है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो अभी तक नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हैं मैप के अंदर। आप लोग देख सकते हो भाई हम लोग ज़्यादा भी आगे बिल्कुल भी नहीं है, तो बढ़िया तरीके से चलाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी मैं अगर गिर जाता हूँ इस टाइम पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके फाइनली ये वाला रेस हम लोग जीतने वाले हैं। ओ भाई अभी भी मेरे को यहाँ से रेस करना है, दौड़ते हुए यहाँ से जाना है मेरे को, बिल्कुल भी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है अपना जो प्लेयर है उसको। भाई फटाफट से यहाँ से चलते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो वो लोग भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है भाई, वो लोग भी जीत सकते हैं। तो मेरे को बढ़िया तरीके से बिल्कुल दौड़ना पड़ेगा। और एक बंदे को देखो भाई अभी तक वो साइकिल पर ही है यार, क्या ही बोलूँ मैं। अभी तो मैं फाइव फर्स्ट पोजिशन के ऊपर अभी भी हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके फाइनली भाई फाइनली ये वाला रेस हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं बढ़िया तरीके से। बिल्कुल सभी जो बंदे भाई वो हार चुके हैं यार, फर्स्ट प्लेस के ऊपर ये वाला जो रेस है वो हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके गाइस, तो ये वाला रेस हम लोग बढ़िया तरीके से बिल्कुल जीत चुके हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओ भाई यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पे ना मेरे को भाई कोई मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसको पता नहीं है वो मेरे से पिटने वाला है। लेट्स गो भाई साहब, इतना भी आसान थोड़ी ना है भाई मारना। अभी ये फिर से उठ चुका है भाई, एक सेकंड भाई साहब भागना पड़ेगा मेरे को यहाँ से, मर जाऊँगा मैं। एक सेकंड रुक जाओ, इसको तो मैं मार कर ही जाने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, तुम समझ रहे हो भाई। ये उफ भाई ये बहुत खतरनाक है भाई, आपने देखा भाई क्या ही बढ़िया तरीके से अभी जाकर ये बच चुका था, अभी ये पिट चुका है मेरे से भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही चौड़ में आ चुका था ये। इस बंदे को पता नहीं था भाई कि माइकल कौन है, तुम समझ रहे हो भाई। इसने गलत बंदे से भाई पंगे ले लिया था अभी, और ये भी पिट चुका है मेरे से बहुत गंदा। बट इसके चक्कर में जो मेरा कार था वो यहाँ पे पूरा ख़राब हो चुका है। बाकी आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ी से भी पसंद हो तो बस जल्दी से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को, और साथ ही में उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। बाय।